भारत राष्ट्रम प्रति अनन्य मनसा आसक्ता प्राचीन भारतीय ज्ञान पुंज द्वारा च वाराणसीं प्रति समाकृष्टा बृहद् भारतीयं धर्मशास्त्रं समाजशास्त्रं च यस्यै स्तः अध्ययन विशेषता सा अस्ति स्पेन देशीया भारत भू समर्चना परा मारिया रुइस इति नामधेया संस्कृत साधिका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयतः मीमांसा शास्त्रे स्वर्ण पदकं लब्धवती महनीय मेधायुता युवसमुदाय प्रेरिका मारिया रुइस वस्तुतः भारतं समागत्य आचार्य चरणेषु उपविश्य शास्त्र संरक्षण परा आध्यात्मिक साधना रता दृश्यते अनुदिनम् सकल विद्यायाः राजधान्यां काश्यां निवसन्ति संस्कृत गुरुकुल पद्धतिं च अनुसरन्ति शास्त्र चर्चां कुर्वति मारिया रुइस निश्चयेन अस्ति ओजस्विनी तेजस्विनी च संस्कृत समाराधिका मारिया रुइस वर्ये हार्दभावेन क्रियते स्वागतं भवत्याः वार्तावली कार्यक्रमे अस्मिन् नमस्कारः नमस्कारः धन्यवादः मारियावर्ये भवती भारतीय परंपरानुसारी साटिकां धारयति शोभनां मनोज्ञां च परिभाति वयं सर्वादौ ज्ञातुम् इच्छामः यत् कथं भवती भारतं प्रति आकृष्टा यहाँ पर संस्कृत पढ़ने के लिए आए थे क्योंकि भाषा से संबंधित जिज्ञासा था हमको तो संस्कृत पढ़ते पढ़ते उसके बाद गुरुकुल में रहने लगे और पता चला कि यहाँ के परंपरा से कैसे रहना है संस्कृति से जुड़े हुए और परंपरा से जुड़े हुए कैसे दिनचर्या कैसे चलना चाहिए तो हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि पश्चात में तो सब लोग जैसे हो वैसे खाते हैं सोते हैं पीते हैं और ये सब ध्यान नहीं देते लोग इस विषय के बारे में तो पता चला कि सही रास्ता है सब कुछ करने के लिए और जब नियम से करते हैं सब कुछ तो बहुत माइंड फ्री हो जाता है विकास के लिए जैसे पढ़ाई करना हो तो जब ध्यान नहीं देना पड़ता है कि क्या खाऊं कैसे क्या करें सब नियम से चलेगा तो दिमाग में बहुत जगह बनता है पढ़ाई के लिए तो जितना पढ़ के इतना विकास हो जाता है उधर तो यहाँ पे इतना मेहनत करके तो बहुत ज़्यादा फल मिल जाता है भारत के परंपरा और भारत का फिलोसफी हमको लग रहा है कि पूरा दुनिया का मूल है तो क्या हुआ है कि पहले सब भारत था और सब लोग उससे जुड़े हुए थे बस क्या हुआ कि जगह जगह और लोग जाके उसको भूल चुके हैं धीरे धीरे और उससे दूर होके उससे अलग होके तो एकदम हमारे दृष्टि से परेशान हो गया है सब लोग तो पश्चात के लोग अब योग के द्वारा मेडिटेशन के द्वारा उसमें वापस जाने के बहुत प्रयास कर रहे हैं मारिया वर्ये भवत्याः भारत प्रेम दृष्टम श्रुतम च अस्माभिः इतः परम ज्ञातुम् इच्छामि यत् भारते वाराणसी कीदृशी भाव्यते भवत्या काशी तो प्रकाश है और वेद ज्ञान प्रकाश सब एक ही चीज़ है तो उधर प्रकाश और ज्ञान के नगरी में रह के हमको बहुत सौभाग्य है उधर क्या देखे हैं कि बहुत ही लोग परंपरा से रहते हैं पढ़ते हैं और ज्ञान को और पढ़ाई को ज़्यादा महत्व देते हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में जैसे बड़ा शहर में जाएंगे या तो विदेश में जाएंगे तो लोग क्या होता है कि ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते हैं कमाने के लिए पढ़ते हैं भारत बहुत पसंद है लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि काशी जैसे कोई जगह पूरा दुनिया में नहीं है बहुत एकदम विशिष्ट है और जो काशी में जा चुके हैं सब लोग जानते हैं कितना विशिष्ट है कुछ है काशी में जो सबको एकदम कैप्चर कर लेते हैं और काशी सबको प्रिय है हमको बहुत प्रिय है ज्ञान खोजने वाले को बहुत प्रिय है और हम लोगों का प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत प्रिय है
उधर ऐसे होगा क्योंकि ज्ञान की नगरी है, ज्ञान की जगह है, और लोग या तो धर्म को खोज के जाते हैं काशी में, या तो ज्ञान खोज के हैं, तो विदेश से बहुत लोग भी जाते हैं पढ़ने के लिए काशी में, BHU में, और संस्कृत वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बहुत विदेश के लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, तो लोगों को बहुत रुचि है काशी का। उधर क्या मिलता है, बच्चे पढ़ते हुए देखते हैं गुरुकुलों में, परंपरा से जुड़े हुए, और लोग गौ सेवा करते हैं, घाट का सुंदरता एकदम अमूल्य है। उधर जो सूर्योदय के टाइम जो घाट पे जाएगा काशी में, तो लगेगा कि मतलब एकदम स्वर्ग में है। अद्भुता सुरम्यमयी च भवत्याः कला विज्ञानमयी दृष्टिः। मार्यावर्ये भवती मीमांसा दर्शने सुवर्ण पदकं प्राप्तवती संपूर्णानंद विश्वविद्यालयतः। मनसि किं विचार्य भवती चितवती मीमांसा दर्शनं, वस्तुतः किं अनुभूतं अस्मिन् शास्त्रे भवत्या? जी, बहुत लोग डरते हैं मीमांसा शास्त्र सुन के, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल विषय है या बहुत पुराना चीज़ है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है, ना तो मुश्किल है ना तो कोई पुराने चीज़ है। असल में आज का जीवन जीने के लिए धर्मशास्त्र और वेद समझने के लिए और यज्ञ समझने के लिए मीमांसा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और जितने लोग पढ़ेंगे उतना अच्छे से वो समाज का विकास हो जाएगा। ये हमको भारत सौभाग्य से हमको संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कमलाकांत त्रिपाठी गुरु जी से सब कुछ सीखे हैं। वो एकदम धैर्य पूर्वक हमको शुरू से, जब हम हिंदी तक नहीं जानते थे, तो धीरे 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 हमको सब कुछ पढ़ाए हैं, और इतना अच्छे से पढ़ाए हैं कि सच में जो सोचेंगे कि मीमांसा शास्त्र मुश्किल होता है, हम बोलने चाहेंगे कि गुरुजी के पास जाएं तो एकदम सीख लेंगे और एकदम आसानी से भी सीख लेंगे। मार्यावर्ये भवती तु भारतीय दार्शनिक तत्त्वम् अनुशीलति अनुदिनम्, गुरुचरणेषु उपविश्य स्वाध्यायं च विज्ञाय। संस्कृत भाषां कीदृशीं वैलक्ष्यताम् अनुभवति भवती? संस्कृत तो भाषा है, लेकिन उसका विशेषता है कि मतलब चीज़ें समझने का माध्यम केवल नहीं है, उसको पढ़ने से, सुनने से और समझने से स्वयं उस प्रोसेस में बहुत आनंद आता है, ज्ञान होता है, वो दिमाग खुल जाता है। तो साधना करने के लिए संस्कृत बहुत ज़रूरी है, और पढ़ने के लिए, विज्ञान के लिए है, संगीत के लिए है, सर हर चीज़ के लिए, आत्मा विकास के लिए है। तो संस्कृत पढ़ते पढ़ते एक आनंद आता है जो बहुत एकदम विशिष्ट है। संस्कृत शास्त्र पठनेन स्वाध्यायेन च वाराणसी नगर्यां च निवसन्त्या भवत्या कीदृशं परिवर्तनं दृष्टं स्वकीये जीवने इति अपि अस्माकं दर्शकैः साकं विनिमयी करोतु। बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया हमारे जीवन में, जो धीरे धीरे हुआ था, एकदम पढ़ते पढ़ते संस्कृत पढ़ने शुरू कर दिए हैं, और उसके बाद सौभाग्य से गुरुकुल में रहने को मिला। ये अब तो देख सकते हैं, हम तो वस्त्र बदल दिए हैं और तिलक लगाते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, पूरा जीवन एकदम बदल बदल दिया, और हम धर्मशास्त्र से जुड़े हुए हैं, परंपरा से संस्कृत पढ़ रहे हैं, दिन भर सुनते रहते हैं, तो हमारे खान पान भी बदल गया, और उसका प्रभाव भी बहुत सकारात्मक हुआ हमारे ऊपर। मारिया वर्ये वार्तावली कार्यक्रमे स्वकीयं संस्कृतमयं समयं प्रदातुं वयं भवत्यै धन्यवादं कुर्मः, पुनः मेलनाय प्रेरणा अभिप्रेरणा प्राप्त्यै च। नमस्कारः। नमस्कारः, धन्यवाद हमको यहाँ पे बुलाने के लिए।